देखिए टेक्निकल परिवार के 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए। क्या बात कर रहे हो बेटे, सब ये इन व्यूअर्स की ही मेहरबानी है। टेक्निकल परिवार को देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ पर कार्टून वीडियो बनाने के लिए हमें इस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। इस ऐप की लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा और आपको एंड में बता भी दूँगा कि ये ऐप कैसे डाउनलोड करनी है। वैसे जैसे ही इस ऐप को ओपन करेंगे उस इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। तो सबसे पहले कंट्री, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो यहाँ पर क्लिक करके कंट्री सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट का बटन अब क्लिकेबल होगा। क्लिक करके आप आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, यहाँ पर अपनी एज और जेंडर सेलेक्ट करें और नेक्स्ट करके यहाँ पर अपना जो भी मूवी बनाते हो, जो भी वीडियोस बनाना चाहते हो, किस टाइप की होंगी, फनी, एक्शन कैसी होती है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मूवीज़ या फनी या जोक जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे जिन्हें आप पूरा देखने के बाद में स्किप कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इस ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने में कितना टाइम लग गया, यहाँ पर देखिए ये ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर एक खास बात है कि जैसे ये ओपन होगा तो ये वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अगर क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करना है। लेकिन जैसे आप प्लस के बटन पर क्लिक करोगे, अगर पहली बार आप यहाँ पर वीडियो बनाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा क्विक ट्यूटोरियल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ क्लिक करो, यहाँ करेक्टर सेलेक्ट करना होता है। आप एक करेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं अपनी वीडियो में। यहाँ पर हमारा क्विक जो ट्यूटोरियल होता है, जैसे जैसे ये बोलता है वैसे वैसे क्लिक करते जाइए, उसके बाद में कंप्लीट हो जाता है। अब आप यहाँ पर आप अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एकदम प्रेस वीडियो यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करना। और हाँ, एक बात भूल गया, यहाँ पर बैक जाके इस वीडियो को ज़रूर पोज कर लेना, उसके बाद में प्लस पर क्लिक कर दीजिए। प्लस पर क्लिक करने के बाद में ये बोल रहा है कि आपको इस गोटिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको एक ब्लैंक येलो कलर का बैकग्राउंड दिखेगा। सबसे पहले आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करिए जो आपकी मूवी का सीन होगा। तो चलिए मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये कोई भी एक कैफे का या फिर यहाँ पर बीच का। यहाँ पर जैसे बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऐड देखने के लिए बोला जा सकता आपको, तो ऐड देखनी पड़ेगी। अब हमारा देखिए बैकग्राउंड लग चुका है। अब हमें फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद में एक करेक्टर, दो करेक्टर, जितने भी करेक्टर हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे करेक्टर हैं, लेकिन जो भी करेक्टर सेलेक्ट करोगे उसमें भी ऐड आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ ऐड पर इनका रेवेन्यू बनता है। तो चलिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा करेक्टर ऐड हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर एक फ्रेम दिखेगा और यहाँ पर एक प्लस का बटन भी दिखेगा बैंगनी कलर का, और फ्रेम के ऊपर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू सा, मतलब ड्रॉप डाउन एक बटन दिखेगा। इसकी मदद से आप ये जज कर सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन जिसकी ओर है, जिस फ्रेम की ओर है, उस फ्रेम को हम एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पहला फ्रेम है। और तो हम क्या करते हैं कि इस जो ये किसान है, किसान को यहाँ पर रखते हैं। और दूसरे फ्रेम में क्या होता है कि ये हम एक फ्रेम और ऐड कर दें, ये पहला फ्रेम हो गया,
दूसरा फ्रेम हम प्लस के बटन पर क्लिक करके ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हम जो एडिट करेंगे वो दूसरा फ्रेम एडिट करेंगे, तो यहाँ पर दूसरे फ्रेम में किसान यहाँ पर आ जाता है। तो अब यहाँ पर आकर कुछ बोलता है, कुछ भी बोलता है, जैसे आपका करेक्टर जो भी आपकी स्क्रिप्ट बनाई है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके से वीडियो बनानी है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी बोलता है, इसको कुछ बुलाना है, तो आप यहाँ पर माइक पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप जो भी बोलना चाह रहे हैं वो अपनी वॉइस में बोल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे टेक्निकल परिवार को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो लेकर आता हूँ, जैसे किसान का बेटा भी आ जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एरो पर क्लिक करता हूँ, करेक्टर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक कोई भी अब इसके लड़के का सॉरी कोई भी एक करेक्टर जो कि बॉय की तरह है वो मैं ऐड करने वाला हूँ। तो ये टॉय वाला मैं ऐड करता हूँ, इसके लिए ऐड देखनी पड़ेगी फिर से। ऐड कंप्लीट हो गई, ये करेक्टर ऐड हो चुका है, नया करेक्टर हमारा। तो हमें क्या करना है कि ये बच्चा दौड़कर आता है इस तरफ से और यहाँ पर आएगा, तो मैं इसको इस तरफ लेके आ जाता हूँ ताकि इस पहले फ्रेम में नहीं दिखे। फिर से मैं फ्रेम ऐड करता हूँ, यहाँ पर ये बच्चा इस फ्रेम में दौड़ कर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर खड़ा हो जाता है। फिर से मैं एक फ्रेम और ऐड कर देता हूँ, इसमें ये बच्चा बोलेगा। हाँ, सबसे अच्छी बात यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर आप किसी भी करेक्टर के फेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इस बच्चे का एक्सप्रेशन कैसा हो गया। अगर यहाँ पर डेथ वाला आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो एक्सप्रेशंस भी। तो चलिए अब मैं वॉइस डाल देता हूँ, पापा पापा देखिए टेक्निकल परिवार के 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब मैं फिर से एक नया फ्रेम ऐड करके अब इस वॉइस में डालता हूँ, क्या बात करते हो बेटे, सब ये इन व्यूवर्स की ही मेहरबानी है। टेक्निकल परिवार को देखने वाले सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, आप प्ले करके देख सकते हो। यहाँ पर ये थोड़ी वॉइस अच्छी नहीं है इसकी। पापा पापा देखिए टेक्निकल परिवार के 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए। क्या बात कर रहे हो बेटे, सब ये इन व्यूअर्स की ही मेहरबानी है। ओ सॉरी, टेक्निकल परिवार को देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर इसे सेव करना है तो यहाँ पर शेयर एक्सपोर्ट का बटन होगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर लॉगिन करना होगा, कहीं गूगल या फेसबुक से लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पर ये वीडियो आप सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में गैलरी में। इस ऐप का नाम है ट्विन क्राफ्ट, इससे आप कार्टून वीडियो बना सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया। तो डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगी।